हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौन शहर के वार्ड संख्या 2 और 3 में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं शहर के वार्ड संख्या 1 में आंशिक रूप से कर्फ्यू लागू होगा। ऐसे में जालौन के इन 3 वार्डों में आने जाने के सभी रास्तों को बांस और बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये तीनों वार्डों में मुख्य रूप से जालौन शहर का एक बहुत बड़ा गौडीजी का इलाका शामिल है। साथ ही पीछे की तरफ वाडिया औद्योगिक क्षेत्र सेकेंड फेज के कुछ भाग समेत दर्जनों मोहल्ले इस क्षेत्र में शामिल है। इस कार्यवाही को लेकर जालौन कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जालौन विधायक जोगेश्वर गर्ग समेत कई प्रशासनिक अधिकारी व चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और कर्फ्यू क्षेत्र का जायजा लिया था। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी हिदायत दी गई है कि इस क्षेत्र से कोई भी मूवमेंट ना हो। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में रहने वाले एक नर्सिंग स्टूडेंट की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लिए और पॉजिटिव की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।